जय श्री माता जी। मेरे प्यारे सभी सहजी भाई बहनों को और श्री माता जी के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। तो कुछ दिन पहले हम एक वीडियो पोस्ट किए थे जहाँ पे माँ के बारे में ही हम बोले थे कि माँ का ये वाला अल्ट्रो हमको बहुत ही अच्छा लगा और बिन बोले ही मेरे पास ये वाला अल्ट्रो आ गया क्योंकि मुझे बहुत पसंद था ये वाला अल्ट्रो। ऐसे तो सारा अल्ट्रो ही बहुत ही अच्छा है। तो लव यू माँ, ये माँ हमें चुनी है और आज जो भी है माँ के ही कृपा से है हम। और सहज में हम कैसे आए हैं इस बारे में हम आप सबको बताने आए हैं। और पहले भी मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि मुझे पूछे थे कि हम किस तरह सहज में आए हैं, तो ऐसे तो हम फेस टू फेस बोले हैं और सोचते हैं कि हम आप सबको बताएं। और कुछ दिन पहले ही हम एक वीडियो पोस्ट किए थे जिसमें हम बताए थे कि आप लोग को अगर जानना हो तो बताइएगा। तो उसमें से एक बहन है जो कि रेनू पंकज नाम से है, वो बहन से व्हाट्सएप में बीच बीच में बात होते रहता है। तो वो बहन जो है कमेंट में हमको बताई है कि दीदी प्लीज बताइएगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा बताने में। तो आज से 5 साल पहले हम 5 साल पहले का बात बता रहे हैं, 5 या 7 साल पहले का बात। करीब हम 7 साल से सहयोग में आए हैं और मतलब एक दिन अचानक हम मतलब खाना वाना सब बना के छत पे जाके हम बैठे थे। ठंडा का टाइम था, हाँ ठंडा का ही टाइम था शायद। हम छत में जाके बैठे थे और मतलब अच्छा नहीं लग रहा था हमको। तो फिर हम जोया कुसुम को मतलब मेरी जो 2 बेटी है तो बोले थे कि एक नंबर लगाओ पार्लर में, हमको पार्लर का कोर्स करना है, सीखना है। पहले तो बोले थे हमको सीखना है, कोई नंबर लगाओ। तो पता नहीं था नंबर कहाँ से मिला, लेकिन जोया कुसुम ही हमको गूगल से एक नंबर खोज के दी और नंबर लगाई, जो कि पूनम दी, जो हमको जो दीदी हमको सहज में लाई थी। और वहाँ पर जो है बिग बाजार में 2 पार्लर और भी था, लेकिन वहाँ पर नंबर नहीं लगा था, पूनम दी के ही पार्लर में नंबर लगा। उसके बाद हम दूसरे दिन गए, जाने के बाद फिर पूनम जी से कोर्स के बारे में मतलब ब्यूटीशियन के बारे में हम सारा कुछ पूछे, सारा सब कुछ हो गया। लेकिन वहाँ पे श्री माता जी का एक फोटो रखा हुआ था अल्ट्रो, तो एक बार देखे माँ को। तो देखने के बाद हम कुछ बोले नहीं, फिर मतलब 3 दिन 4 दिन इस तरह हो गया। फिर हम दीदी से पूछे कि दीदी कौन है, आपकी सासू माँ है? तो फिर दीदी बोलती है कि नहीं मेरी सासू माँ नहीं है, ये सबकी माँ है, आपकी भी माँ है। तो फिर हम कुछ बोले नहीं, बस ऐसे ही देखे। और धीरे धीरे करके पूनम दी रोज हमको बताते गई सी माता जी आदिशक्ति माँ है। उसके बाद हमको अच्छा लगने लगा, फिर हम बोले कि कहाँ है कैसे है सब कुछ दीदी बताई। फिर हमको एक दिन बोली कि चलिएगा मेरे साथ, तो हम गए दीदी के साथ सेंटर गए। वहाँ पर भी सारे दीदी लोग वहीं पे थे और वहाँ पे जाने के बाद हमको बहुत ही अच्छा लगा। मतलब जैसे कि हम जैसे ही वहाँ पे पाँव रखे हमको बहुत ही अच्छा लगने लगा। मतलब वहाँ का जो वातावरण था हमको बहुत, अभी भी हमको लग रहा है कि हम वहीं पे खड़े होके आप सबसे बात कर रहे हैं। और करीब एक साल तक हम सेंटर गए, फिर पता नहीं कैसे फिर जाना बंद हो गया। मतलब हम पूनम दी के पालन में जाना बंद कर दिए थे। मतलब घर का काम मेरा थोड़ा सा बढ़ गया था और ये लोग भी थोड़ा सा छोटी ही थी, स्कूल में पढ़ती थी, अब तो कॉलेज में पढ़ रही है। तो इसी कारण से जो है हम पार्लर छोड़ दिए थे। और पार्लर छोड़ देने के बाद फिर जैसे कि पहले पार्लर जाते थे तो पूनम जी से रोज ही बात सहज के बारे में बात होते रहता था, तो अच्छा भी लगता था। तो उसके बाद अचानक से छोड़ दिए। फिर धीरे धीरे करके मतलब सेंटर हम दीदी के साथ ही जाते थे, फिर सेंटर जाना जाते थे लेकिन कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे। इसी तरह जाते जाते फिर अचानक से बंद हो गया, पता नहीं किस कारण से बंद हो गया। शायद मेरे अंदर ही कुछ बुराई या खराबी जो भी हो किस कारण से नहीं मालूम। फिर अचानक से मतलब हम फेसबुक तब चलाते थे, अब तो मेरा फेसबुक बंद हो गया है। पहले हम फेसबुक चलाते थे, वहाँ पे एक भैया थे, तो वो भैया हमको फिर मतलब माँ का फोटो हम फेसबुक में भी पोस्ट करते थे। तो वो भैया हमको पूछे कि आप सहज जी हैं? हम बोले हाँ। कब से हैं नहीं है ये सारा बात फेसबुक में हुआ। फिर वो भैया हमसे पूछे कि आप सेंटर जाते हैं? तो हम बोले कि नहीं हम सेंटर नहीं जाते हैं। तो फिर भैया बताए कि नहीं जाना चाहिए और घर में ही हमको मतलब फिर ध्यान करवाते थे शाम के टाइम में। और
मेरे साथ जया कुसुम भी, मतलब जब हम सेंटर जाते थे, जब पार्लर में जब हम थे पूनम दिखे वहाँ पे, हम तो बहुत आगे बढ़ गए हैं अभी, आगे बढ़ गए हैं मतलब बात को हम कहाँ से कहाँ ले गए हैं, आगे नहीं बढ़े हैं, हम तो माँ के सी चरण में ही है और रहना वहीं पे चाहते हैं, हमको आगे नहीं बढ़ना है। मतलब हम बोल रहे थे कि हम जब सेंटर जाते थे तो सेंटर से जब हम वापस घर आते थे तो जया कुसुम को हम तो बोलते ही थे कि माँ के बारे में, और जया कुसुम को बहुत ही अच्छा लगता था जब हम आते थे ना, तब मतलब वो लोग को हमको देख के मतलब बहुत अच्छा लगता था उसको, कि मतलब एक खुशबू जो होता है वातावरण, माँ के सेंटर से जब हम घर आते थे तब जया कुसुम भी हमको देख के बोलती थी कि कितना अच्छा मतलब लग रहा है, मतलब वातावरण जो है शांत हो जाता था, शांत तो है अभी भी, तभी भी तब भी था, और मतलब खुशबू, एक अच्छा खुशबू आता था, एक चैतन्य, कैसे हम आप सबको बताएं, मतलब अजीब फील होता था, मतलब बहुत ही अच्छा सा। तो फिर धीरे धीरे करके हम, जया बोली कि हम जाएंगे, तो जया को ले गए, फिर कुसुम को ले गए, जबरदस्ती हम किसी को नहीं किए, जैसे जैसे हम जाते थे ये दोनों भी मेरे साथ जाने लगी, और इसी तरह हम सेंटर में आए हैं। और फेसबुक में फिर हम, मेरे एक भैया थे वो हमको बताए, फिर मतलब करीब एक डेढ़ साल हम, मेरा छूटी गया था, मतलब माँ का पूजा करते थे लेकिन सेंटर हम नहीं जाते थे, तो इसी तरह हम सेंटर में आए हैं और अभी तो सेंटर में जाते ही हैं, और माँ के अभी माँ ही माँ सब जगह पे है। के बाद फेसबुक में जो भैया थे वो भैया फिर हमको एक ग्रुप में ऐड की, जो कि हमारी पहली माँ ग्रुप है, उसमें अभी हम नहीं है, मेरी दोनों बेटी है और ये लोग ध्यान करती है, तो उसमें हम भी कभी कभी ध्यान पुष्ट कर देते हैं, और है हम भी हैं, मतलब बेटी के द्वारा हम भी हैं उसमें, और बस अभी वो भैया के कारण से अभी हम रेगुलर सेंटर जाते हैं, रेगुलर मतलब जब भी सेंटर होता है जाते हैं, और करीब 7 साल से हम हैं, लेकिन 2 साल जो है मेरा छूट गया था, और लगातार अभी 5 साल से हम सेंटर जा ही रहे हैं, और माँ का प्यार हम सबको मिल रहा है, और बहुत ही अच्छा से अभी सहयोग कर रहे हैं। और अगर आप लोग को कुछ और जानना हो तो बताइएगा, हम जरूर बताएंगे आप सबको। तो इस तरह से हम आए हैं सहयोग में, पूनम दीदी और अशोक भैया ये दोनों ही हमको लाए हैं सहज में, और माँ का तो योगदान था ही, माँ तो है ही, माँ को तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, तो बस मेरा सहज में आने का बस यही दो रास्ता था, और हम आके बहुत ही खुश है, बहुत ही हैप्पी है, और मतलब मेरा दुनिया जो है बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है, पहले अंधेरे में जी रहे थे और अभी हम रोशनी में हैं, और माँ को भी धन्यवाद करते हैं कि माँ हमें हमेशा अपने श्री चरण में रखे, कभी भी माँ हमें, माँ तो हमें छोड़ते नहीं है, लेकिन हम लोग ही हैं जो कि छोड़ के कहीं कहीं चले जाते हैं। माँ को कोटि कोटि प्रणाम, और मेरे सभी प्यारे सहजी भाई बहनों को भी हृदय पूर्वक जय श्री माता जी।